पांच गुणनखंड विधि से एलसीएफ और एलसीएम निकालना आज हम लोग सीखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, बस ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दो नंबर में पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम या एलसीएफ या दोनों पूछा जा सकता है, हम लोग दोनों यहां पे करने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो ये नहीं पूछेगा अभाज्य गुणनखंड या कैसे, ऐसा नहीं बोलेगा, बस बोल देगा 12 15 24 का एलसीएम क्या होगा या 12 15 24 का एचसीएफ क्या होगा। ये ऐसे ही पूछा जाता है कि 12 15 24 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा या 12 15 24 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक है, सबको आता है, दो से कट जाएगा 6 बार में, फिर दो से कट जाएगा 3 बार में, अब तो एक कटने वाला है नहीं, 3 से 1 बार में कटेगा और क्या। चलिए 15 पे आते हैं, आप इसको देखिए 3 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, अब इसको भी लगा सकते हैं 3 से और ये आ जाएगा कितना बार में, 1 बार, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से आप इसको 1 बार में, ठीक है। चलिए 24 का तोड़ देते हैं, कितना से कटेगा जी, 2 से 2 बार 24, 2 6 12 और फिर 2 3 6, फिर 3 से लगा दीजिए 1 बार में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 12, ठीक है, और 12 लिखने के बाद ये 2 2 और 1 3, 2 गुना 2 और गुना 3, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 2 बार है, 2 कितना बार है, 2 बार, तो आप क्या करेंगे 2 का पावर लिख देंगे 2 और फिर 3 है 1 बार, तो 3 का पावर लिख देंगे आप 1, ठीक है। अब चलिए यहां पे अब 15 का जो काम हमने 12 के साथ किया है वही 15 के साथ भी करेंगे, क्या क्या आया है, 1 ठो 3 और 1 ठो 5, तो 3 का पावर 1 और 5 का भी पावर 1, 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1, ठीक है, हम पहले ऐसे लिख देते हैं 3 गुना 5, ये तो एक ही एक एक बार ही है जी, तो 3 का पावर वाला यहां पर लिखते हैं और 5 का पावर 1। अब चलते हैं 24 पे चलते हैं, 24 में आप देख रहे हैं 2 3 बार 2 है, 3 बार 2, तो चलिए हम भी 3 बार 2 लिख देते हैं और 1 बार 3, तो 2 का पावर हो गया आपका 3, 1 2 3 है तो 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर 1। अब नंबर है HCF और LCM का, कि इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, आपने 90% काम कर दिया है, बस लास्ट में बचता है 10% का काम, तो HCF के लिए बाबू क्या करते हैं, आप ये फोकस कीजिएगा इस पे कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में क्या है, तो तीनों में है क्या, 3 3 3, 2 तो सब में नहीं है ना, 5 भी सब में नहीं है, तीनों में क्या है, 3 3 3, तीनों में है 3 और इस 3 का पावर देखिएगा सबसे छोटा कौन है, तो इसमें तो छोटा बड़ा कुछ है नहीं, सब तो बराबर है, अगर छोटा रहता यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 3 का पावर 3 रहता और यहाँ पे 3 का पावर 2 रहता है और यहाँ पे 3 का पावर 1 रहता तो हम 3 का पावर 1 वाला लेते, यानी छोटा वाला लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे छोटा वाला यानी 3 का पावर 1 वाला और 3 का पावर 1 का मतलब हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार एलसीएम का, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले जैसे एचसीएफ में देखे हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, वैसे इसमें भी देखते हैं तीनों में कॉमन है 3 3 3, लेकिन इसमें देखते हैं पावर बड़ा वाला, लेकिन यहां तो सब बराबर है, पावर बड़ा वाला तो यहां पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां 3 का पावर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और इसके अलावे ये 3 तो हमारा खत्म हो गया, अब बात कर लेते हैं कि इसमें बचा क्या है, तो बचा है 2 का पावर 2। अब देखते हैं कि क्या 2 का पावर कुछ और वाला किसी और में भी है क्या, तो यहां पर 2 का पावर 2 है, इसमें तो है नहीं और यहां पे 2 का पावर 3 है, तो हम इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे किसी एक को। अब 2 का पावर 2 कीजिएगा कि 2 का पावर 3 कीजिएगा, 2 का पावर 3 ना कीजिएगा क्योंकि एलसीएम के लिए बड़ा पावर वाला देखते हैं, तो 2 का पावर हम सिलेक्ट कर लेंगे 3 को, दोनों को नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को करेंगे और किसको करेंगे, जिसका पावर बड़ा होगा। हमने 3 के साथ क्या किया था, 3 का पावर तो एक ही है सब में, वो तो सोचना है नहीं कुछ, तो यहाँ पर लेकिन दो दो जगह है, एक में है पावर 3 और एक में है पावर 2, तो हमने क्या लिया, पावर 3 वाला। चलिए
आगे बढ़ते हैं और कुछ बचा क्या, दो का काम हो गया, तीन का भी काम हो चुका है, अब बचा पांच वाला। तो पांच तो बेचारा अकेले है तो उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, पांच का पावर एक। अब हो गया हमारा तीन का पावर एक का मतलब तीन, दो का पावर तीन का मतलब दो, दूनी चार, दूनी आठ है, और पांच का पावर एक का मतलब हो गया केवल पांच। चलिए इसको गुना कर दीजिए, आठ तिरका चौबीस और चौबीस पचे 120, तो ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को HCF और LCM अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो हम आप लोगों को देंगे, आपको बताना है कि उस क्वेश्चन का HCF और LCM क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। आपका आपके लिए क्वेश्चन है 18, 24 और 36। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका HCF और LCM कितना होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।